अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। तारीख के औराक हमारी रहनुमाई करते रहते हैं। तारीख में हालात से लड़ने का सबक सीखने का हर दौर के लिए रहबरी की मशाल राह मौजूद रहती है। और वैसे भी क्या क्या नहीं दिया मुजाहिदों ने और दौर के बुजुर्गों ने, लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता जो सबक बुजुर्गों बहादुरों और मुजाहिदों ने दिए थे हम भुला बैठे। आज भी हम जब तक तारीख की औराक पलटकर अपने बुजुर्गों की दास्तानों को समझने की और उनके कदमों के नुकूश पर चलने की कोशिश नहीं करते, यूं ही जिल्लत के अंधेरों में धसते गिरते छटपटाते रहेंगे। लिहाजा आज एक अजीम मुजाहिद का जिक्र करना जरूरी समझूंगा, क्योंकि इसी महीने 16 सितंबर 1931 को उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था। बादशाहत हुकुमशाही और मनमानी हुकूमतों के खिलाफ आवाज उठाने वाले उस अजीम शख्सियत का नाम है उमर मुख्तार, जिन्हें सहराओं का शेर कहा जाता रहा। रेगिस्तान के शेर ने वक्त के मुसोलिनी को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। आज के नौजवानों को एक गुजारिश ये भी है कि इन्हीं के नाम पर 1981 में लाइन ऑफ डिजर्ट के नाम से फिल्म बनाई गई थी, जिसे एक बार जरूर देखने की कोशिश करें। उमूमन किसी फिल्म को देखने की बात हम नहीं करते, लेकिन आज जब फिजूल और फैश फिल्मों में नौजवान नस्ल मुलविस है तो अजीम मुजाहिद उमर मुख्तार पर बनी इस फिल्म को देखने का जरूर ऐलान करेंगे और कुछ सीखने की कोशिश भी करें। वैसे भी सालों से अर्तुगरुल गाजी देखकर माशरे में क्या तब्दीली आई है सिवाय मोबाइल के रिंगटोन के, लिहाजा उमर मुख्तार पर तबसरा भी इसलिए तारीख के औराक कुर्बानियों से भरे हुए हैं। और बुजदिल कभी तारीख नहीं लिखा करते, इसलिए तारीख की दस्तावेज मुजाहिदों की दास्तानों से भरे पड़े हैं, जिसे पलटकर देखना जरूरी है। जिस दिन भारत में भी अंग्रेजों की जालिमाना हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले तीन बहादुरों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा था, उसी वक्त लीबिया में 73 साल के अजीम मुजाहिद उमर मुख्तार को भी फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। तमाम जंगजुओं ने इंसानियत को बचाने के लिए जालिम हुक्मरानों के खिलाफ जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जालिमों के हाथों इन्हें फंदे पर चढ़ा दिया गया और इसी के इनाम के तौर पर इन्हें फांसी के फंदों पर झूलना पड़ा। और इंकलाबात यूं ही परवान चढ़ते हैं। 73 साल उस अजीम मुजाहिद के बारे में जानना भी जरूरी है। अब तो भारत में भी किताबों से मुजाहिदों के नामों को मिटाने की साजिश जोरों पर है। फिरका परस्तों को शहर के नाम तारीखी किताबों में जंगजुओं के किस्से गुलामी की निशानी लगती है, लेकिन तारीख की किताबों में कुर्बानियों के खून के धब्बे मुखबिरों के मिटाने से नहीं मिटते। लिहाजा टीपू सुल्तान का नाम भी कयामत तक लिया जाएगा, भले ही इसे लाख मिटाने की कोशिश करे। खैर, आज का मौजू उमर मुख्तार का है तो इस बहादुर शख्स के बारे में जानना भी जरूरी है। उमर मुख्तार ने 20 साल नाजियों के खिलाफ हथियार बंद जद्दोजहद की, गोरिल्ला वार किया, सामने दुश्मन जदीद हथियारों से लैस था, टैंक तोप तरबियत याफ्ता फौज, लेकिन तारीख गवाह है कि ईमान के बलबूते पर किसी मकसद के तहत पुराने हथियारों ने हमेशा हर दौर की सुपर पावर को शिकस्त दी है और आज भी वो नज़ारा दुनिया देखने पर मजबूर है। कुछ हद तक अगर जालिम हुक्मरानों ने कामयाबी हासिल भी की है तो मुखबिर गद्दार और साजिशों से ही जीत पाए हैं। लिहाजा 20 साल मुस्तकिल सहराओं में जालिम हुक्मरानों से लड़ते हुए आखिर में उमर मुख्तार को शहीद किया गया। यूरोप के बादशाहत वाले मुल्कों ने एशिया और अफ्रीका के मुल्कों को गुलाम बनाने के लिए अपनी जदीद फौजों को वहां भेजा तो उनकी इस लूट ज्यादती जालिमाना इख्तदार के खिलाफ मामूली सा दिखने वाला आम इंसान जंगजू और मुजाहिद बनकर सामने आ गया, जिन्होंने अपने लोगों के सामने अपनी कौम को गुलामी से लड़ने का सबक सिखाया और बहादुरी की वो मिसाल पेश की कि सारी दुनिया हैरान रह गई। जुल्म के खिलाफ आवाम को मुत्तहिद किया, वही हुक्मरानों के सामने वो चैलेंज पेश किया कि खुद बादशाहत का ढिंडोरा पीटने वाले उनकी बहादुरी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। इसलिए लीबिया के उमर मुख्तार को याद किया जाता है। उमर मुख्तार का जन्म 1859 में हुआ और वे एक स्कूल के टीचर थे। आज के स्कूल के टीचरों से भी इन्हें सबक हासिल करना चाहिए। 1895 में वे सूडान चले गए। उन्होंने ब्रिटिश हुक्मरानों के खिलाफ मेहदी सूडानी तहरीक में हिस्सा लिया, लेकिन यह तहरीक कामयाब न हो पाई, लिहाजा वापस लौट आए। 1911 में इटली ने खिलाफत उस्मानिया से जंग करके लीबिया को अपने कब्जे में ले लिया। उमर मुख्तार ने लीबियाई कबीलों के जंगजुओं की मदद से इटली के हुक्मरानों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया और हथियारबंद जद्दोजहद शुरू की। और बुजुर्ग उमर मुख्तार की जंगी मनसूबाबंदी से दौर की ताकतवर यूरोपियन हुकूमत भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। कई वाकये किताबों में उमर मुख्तार के कलमबंद किए गए हैं। उमर मुख्तार के साथियों ने इटली के 2 सिपाहियों को पकड़ा था और उन्हें कत्ल करने की कोशिश करने लगे, तभी उमर मुख्तार ने उन्हें रोकते हुए कहा, हम बंदियों को नहीं मारते। इस पर गोरिल्ला लड़ाकों ने कहा कि वो तो बंदियों को मारते हैं। इसके बाद उमर मुख्तार ने जो जवाब दिया वो भी तारीखी है
उमर मुख्तार ने कहा वो जानवर है लेकिन हम नहीं। ये जुमला इनकलाबियत को जाहिर करता है कि हम जानवर नहीं जो खून बहाते फिरे, हम तो मुजाहिद है, हम खुद के वजूद और इंसानियत की बका के लिए लड़ रहे हैं। हमने हथियार अपनी अपने कौम के तहफ्फुज़ के लिए उठाए क्योंकि दुश्मन भी हथियार से लैस है और वहशी जानवर बना हुआ है। ये पूरे आलम के जंगजुओं के लिए सबक है। सन 1929 में इटली जब लीबिया पर अपना कब्जा करने की लगातार कोशिश कर रहा था तब लीबिया के बागियों का सरदार उमर मुख्तार इटली की फौज को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। मुसोलिनो को एक ही साल में 4 जनरल बदलने पड़े थे। आखिर में हार मानकर मुसोलिनी को अपने सबसे जालिम सिपाही जनरल ग्राजानी को लीबिया भेजना पड़ा। उमर मुख्तार और उसके सिपाहियों ने जनरल ग्राजानी को भी बेहद परेशान कर दिया। जनरल ग्राजानी की तोपों और जदीद हथियारों से लैस सेना को घोड़े पर सवार उमर मुख्तार व उनके साथी खदेड़ देते थे। वे दिन में लीबिया के शहरों पर कब्जा करते थे और रात होते होते उमर मुख्तार उन शहरों को आजाद करवा देते थे। उमर मुख्तार इटली की फौज पर लगातार हावी पड़ रहे थे और नए जनरल की गले की हड्डी बन चुके थे। आखिर में जनरल ग्राजानी ने एक चाल चली। उसने अपने एक सिपाही को उमर मुख्तार से लीबिया में अमन कायम करने और समझौता करने के लिए बात करने के लिए बुलवाया। उमर मुख्तार और जनरल की तरफ से भेजे गए सिपाही की बात होती है। उमर मुख्तार अपनी मांगे सिपाही के सामने रखते हैं। सिपाही चुपचाप उन्हें अपनी डायरी में नोट करता जाता है। सारी मांगे नोट करने के बाद सिपाही उमर मुख्तार को बताता है कि ये सारी मांगे इटली भेज दी जाएंगी और मुसोलिनी के सामने पेश की जाएंगी। इटली से जवाब वापस आते ही आपको इत्तला कर दिया जाएगा। इस तमाम मामले में वक्त लगेगा जिसके चलते उमर मुख्तार को इंतजार करने को कहा गया। उमर मुख्तार इंतजार करते रहे। इटली की सेना पर वे अपने सारे हमले रोक देते हैं मगर इटली से जवाब आने की बजाय आते हैं खतरनाक हथियार, बम और टैंक, जिससे शहर के शहर तबाह किए जा सके। वक्त समझौते के लिए नहीं हथियार मंगवाने के लिए मांगा गया था। कपटी धोखेबाज ग्राजानी अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। जदीद हथियारों से लीबिया के कई शहर पूरी तरह से तबाह कर दिए जाते हैं। नाजी कर्नल एक जगह कहता है कि आज उमर मुख्तार को मार गिराएंगे, पहले पुल कब्जे में लेंगे, टैंक मशीन गन से हमला करेंगे। दूसरा अफसर कहता है कि मैं हैरान हूं कि बागियों ने अब तक पुल क्यों नहीं उड़ाए। कर्नल बोलता है कि उमर मुख्तार सिर्फ लड़ना जानता है, दिमाग चलाना नहीं जानता। वो आप लोगों की तरह कोई मिलिट्री स्कूल में गया है क्या? सभी हंसते हैं। यही सेना की बेवकूफी उन सब की मौत की वजह बन जाती है और सबको मौत के मुंह में धकेल देती है, क्योंकि उमर मुख्तार का जो गोरिल्ला वार का तजर्बा रहता है वो बड़ी से बड़ी फौज को भी घुटने पर ले आती है। और यहाँ भी यही होता है। मैदान जंग में उमर मुख्तार 2 साल तक टिके रहे और इटली की फौज के साथ हुई एक झड़प में जख्मी भी हो जाते हैं। उमर मुख्तार को 11 सितंबर 1931 को जनरल ग्राजानी की फौज ने गिरफ्तार कर लिया। 15 सितंबर 1931 को हाथों में, पैरों में, गले में हथकड़ी जकड़कर उमर मुख्तार को जनरल ग्राजानी के सामने पेश किया गया। 73 साल के इस अजीम बुजुर्ग मुजाहिद से जनरल ग्राजानी कहता है कि तुम अपने लोगों को हथियार डालने को कहो, ठीक पीर अली खान की तरह। इसका जवाब उमर मुख्तार ने भी बड़ी बहादुरी से दिया और कहा कि हम हथियार नहीं डालेंगे, हम जीतेंगे या मरेंगे और ये जंग जारी रहेगी, तुम्हें हमारी अगली नस्ल से लड़ना होगा और उसके बाद अगली नस्ल से, और यूं ही नस्ल दर नस्ल हम तुमसे लड़ते रहेंगे। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपने फांसी लगाने वाले से ज्यादा जीऊंगा और उमर मुख्तार की गिरफ्तारी से जंग नहीं रुकने वाली। जनरल ग्राजानी ने फिर पूछा, तुम मुझसे अपनी जान की भीख क्यों नहीं मांगते? कुछ जवाबात हैं जो आज के दौर के नौजवानों को, दीनी और सियासी रहनुमाओं को अपने जहन में नक्श करने होंगे। उमर मुख्तार ने कहा कि मैंने तुमसे जिंदगी की कोई भीख नहीं मांगा, ताकि तुम दुनिया वालों से यह न कह देना कि इस बंद कमरे में तन्हाई में मैंने जिंदगी की भीख मांगी थी। हम जीतते हैं या जान दे देते हैं, कभी हथियार नहीं डालते। इसके बाद उमर मुख्तार उठे और खामोशी के साथ कमरे के बाहर चले गए। फिर 16 सितंबर 1931 को इटली के हुकुमशाहों के खिलाफ लीबिया के मुजाहिद उमर मुख्तार को उनके ही लोगों के सामने फांसी दे दी गई। कई दिनों तक उनकी लाश फंदे पर झूलती रही। जिस बेखौफ बेबाकी बहादुरी से उमर मुख्तार फांसी के फंदे की तरफ बढ़ते हैं, यह सिर्फ एक मजबूत सोचो फिक्र से लैस कोई मुजाहिद ही कर सकता है। उमर मुख्तार की फांसी के बाद लीबिया के आम शहरियों में जो गम, गुस्सा और आंखों में पानी था, वैसा ही ठीक हाल नाजी सेना के भी बहुत से फौजियों और अफसरों का भी था। नाजी फौज को लगा था कि उमर मुख्तार को मारने से जंग रुक जाएगी, लेकिन उमर मुख्तार तो पहले ही कहते थे कि ये जंग हमारी आजादी तक चलेगी, मेरे मरने से ये जंग बंद नहीं होने वाली,
मेरे बाद मेरी आने वाली नस्ल ये लड़ाई लड़ेगी, उसके बाद उससे अगली नस्ल लड़ेगी। आज पूरे आलम में यही तो लड़ाई चल रही है। उमर मुख्तार के बाद ही दूसरी तीसरी नस्ल लीबिया, सीरिया, फलस्तीन से लेकर पूरे आलम में जालिम हुक्मरानों के खिलाफ, उनकी ज्यादती के खिलाफ इंसानियत को बचाने की जंग जारी है। भारत में भी कितने ही अजीम जंगजुओं ने जल जंगल जमीन को बचाने के खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए, अपनी शहादतें पेश की। भारत में भी कितने ही मुजाहिदों को धोखे से बातचीत के लिए बुलाकर इख्तदार पजीर हुकूमतों ने मार दिया, जो आज भी जारी है। सरकारी एजेंसियां, खुफिया महकमा और लालच दिलाकर कत्ल करने की साजिशें आज भी चल रही हैं, और जब तक इंसान का इंसान खून चूसता रहेगा, सोचो फिक्र की जंग भी जारी रहेगी। अंग्रेजों से गुलामी का सबक देने वाले टीपू सुल्तान को कितना ही वक्त के हुक्मरान गलत साबित करने की कोशिश करते रहे, लेकिन टीपू का खून पुकार कर रहेगा। जरूरत है गुलाम और आजादी के फर्क को समझने की, बुजदिली और बहादुरी के दरमियान के फर्क को समझने की। आजादी फिर जिस्मानी या फिर जहनी, इसका एहसास जब होने लगता है तो फिर माशरे में उमर मुख्तार पैदा होने में ताकीर नहीं होती, क्योंकि कुदरत के फैसले कुछ अलग होते हैं जो जालिम हुक्मरानों की समझ से परे होते हैं। लिहाजा आज का मौजू कैसा लगा कमेंट जरूर करें। अल्लामा इकबाल ने कहा था, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज अथनी के सरकारी अस्पताल से बच्चे की चोरी की वारदात पेश आई। वैसे भी आजकल बच्चा चोरी की खबरें अफवाहें फैलाई जा रही है, लेकिन पैदा हुए बच्चे की चोरी की वारदात सरकारी अस्पताल में पेश आई। इत्तला के मुताबिक अथनी सरकारी अस्पताल से ऐनापुर की अंबिका भावी खातून ने बच्चे को जन्म दिया था, जिसकी चोरी अस्पताल से हो गई, लेकिन अथनी पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से महज कुछ ही घंटों में चोर को गिरफ्तार किया और वालिदा को उसके बच्चे को सौंप दिया। अथनी पुलिस की कामयाबी पर इन्हें 20,000 रुपए का इनाम भी दिया गया। ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಥಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಈ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂತು. ಆ ಮಹಿಳೆ ಐನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬೇರೆ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಾಯಕರು ಏನು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಏಪ್ರನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ವೈಟ್ ಏಪ್ರನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ 12 ನಂಬರ್ ಕೌಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋ ಥರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಐನಾಪುರದ ಮಹಿಳೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈ ತಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ್ತಾನೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಇದು ವೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆಯ್ತು ನಾವು ವೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಗುನ ತೊಗೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಇದು ಸಮಯ ಕಳೆದರೂ ಆ ಮಗುವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಾರದೆ ಇರೋದರಿಂದ ಆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದಂಥ ನಮ್ಮ DSP ಶ್ರೀಪಾದ್ ಜಲ್ದೆ, ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕೋಡೆ, ನಮ್ಮ ಅಥಣಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮುಕ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವೀಣ್ ಇವ್ರ ತಂಡ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಮ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಎಲ್ಲ ಅಥಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಅಪಹೃತ ಮಗುವಿನ ಪತ್ತೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ CCTV ಫುಟೇಜನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಏಪ್ರನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ್ಡನ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. बेलगाम जिला में मुस्तकिल बारिश से किसानों की फसल का बड़ा नुकसान हुआ है, लिहाजा एकर को 25,000 के करीब माली नुकसान हुआ है, लिहाजा किसानों के नुकसान की भरपाई जल्द की जाए, ऐसा आज किसानों ने एहतजाज के जरिए अपना मुतालबा पेश किया और अपनी मांग बेलगाम DC के सामने रखी। आज बेलगाम पुलिस कमिश्नर बोरलिंगिया, कारपोरेशन कमिश्नर रुद्रेश गाड़िया, RTO अफसर, DDPI BO की मौजूदगी में बच्चों के तहफ्फुज पर इजलास रखा गया था, जिसकी सदारत पुलिस कमिश्नर S बोरलिंगिया ने की थी। इस वक्त बच्चों की चोरी के साथ बच्चों में जुर्म की जहनियत और दिगर मसाइल पर तबसरा किया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।